छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के क्रम में आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में मराठा शासन। तो देखिए, सबसे सर्वप्रथम हम देखते बिंबाजी भोसले। से 1787 ईस्वी तक तो छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक रतनपुर प्रथम मराठा राजधानी थी। यहाँ पे प्रथम जो मराठा प्रथम मराठा शासक थे ये, और इनकी जो राजधानी थी वो रतनपुर थी। रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। और रायपुर में जो दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार हुआ इनके काल में, और इनके इस मठ के जो निर्माता हैं वो बालभद्र दास है। बिंबाजी की पत्नी आनंदीबाई का सूबेदार महिपत राव के साथ सत्ता संघर्ष हुआ था। उसके बाद देखते हैं हम वेंकोजी ये 1787 से 1815 तक। तो इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ में सूबेदारी के माध्यम से शासन किया, और सूबेदारी प्रथा जो है वो यहाँ शुरुआत की छत्तीसगढ़ में। फिर हम सूबेदार देखते हैं 1787 से 1818 तक में। तो जो प्रथम सूबेदार थे वो थे महिपत राव दिनकर, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे। इसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था 1790 में। बिंबाजी की पत्नी जो थी आनंदीबेन आनंदीबाई से इनका सत्ता संघर्ष हुआ था, और आनंदीबाई के हाथ में सत्ता आई थी। उसके बाद देखते हैं विट्ठल राव दिनकर तो ये दूसरे सूबेदार थे। मिस्टर ब्लंट का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था इनके समय में 1795 ईस्वी में। परगना पद्धति की शुरुआत इनके समय में हुई थी और 27 परगनों में बांटा गया था छत्तीसगढ़ को। उसके बाद देखें भवानी कालू कारूपंत, तो ये सबसे कम अवधि के जो हैं सूबेदार रहे छत्तीसगढ़ में। उसके बाद देखिए केशव गोविंद, ये चौथे क्रम के सूबेदार थे, सर्वाधिक समय तक सूबेदार रहे ये। और इसके समय में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक वो छत्तीसगढ़ आए थे। उसके बाद पांचवे क्रम में जो है बिंकाजी पेंड्री, पांचवे क्रम के फिर थे छठे क्रम में बीकाजी गोपाल, छठे क्रम में। तो छत्तीसगढ़ में पिंडारी गतिविधियां जो थी इनके शासनकाल में चरम पर थी।
और सरगुजा जमींदारी में उत्तराधिकारी संघर्ष में इन्होंने हस्तक्षेप किया था। फिर सखाराम हरी एवं सीताराम टाटिया ये थे सातवें क्रम के और यादव राव दिनकर ये थे आठवें क्रम में और अंतिम सूबेदार थे। अब हम देखते हैं ब्रिटिश अधीनता मराठा शासन काल जो था 1818 से 1830 तक। तो यहां पे ब्रिटिश अधीक्षक जो थे ।1818 में मराठा काल में पहली बार छत्तीसगढ़ अंग्रेजी शासन के अधीन आया 1818 में। उसके बाद ब्रिटिश शासन में नागपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट के अधीन छत्तीसगढ़ के लिए एक ब्रिटिश अधीक्षक सुपरिंटेंडेंट नियुक्त किया गया। अब इसके जो क्रम में थे वो कैप्टन ब्लंट, कैप्टन एडमंड 1818 में। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे डोंगर गांव के। इनके काल में क्या था, डोंगर जो डोंगर गांव है वहां के जमींदार का विद्रोह हुआ था। उसके बाद सेकंड जो हैं वो कैप्टन एग्न्यू 1818 से 1825। तो प्रशासनिक पूर्व गठन, राजधानी जो है वो रतनपुर से ये रायपुर ले आए 1818 में। उसके बाद कैप्टन हंटर ।1825। उसके बाद कैप्टन सेडिस 1825 से 1828 तक। तो ताहूतदारी प्रथा प्रारंभ हुई इनके काल में और तालुका का निर्माण हुआ, दो तालुका का, लोरमी और तरेगा। बस्तर व करौंद जमींदारियों के बीच विवाद का समझौता करवाया था इन्होंने और अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा की काम सरकारी भाषा के कामकाज की भाषा और डाक तार व्यवस्था भी इन्होंने प्रारंभ की। उसके बाद कैप्टन विल्किंसन 1828 से 1829 के बीच में। फिर कैप्टन फ्रायड 1829 से 1830। तो छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे 6 जून 1830 को कृष्णा राव अप्पा जिलेदार उस समय भोसला को सत्ता का हस्तांतरण किया। इसके बाद क्या है, पुनः भोसला शासन आया 1830 से 1854 तक। तो यहाँ पे जो जिलेदार थे, 8 जिलेदार थे जिसमें पहले जो हैं कृष्णा राव अप्पा तो छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार, उसके बाद अमृत राव, फिर सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुक राव, सखाराम, गोविंद राव
और आठवां गोपाल राव। तो ये 36 जो गोपाल राव थे वो छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार। अब देखते हैं ब्रिटिश साम्राज्य 1854 से लेकर 1947 तक। तो देखिए 1854 में 13 मार्च 1854 को डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया, से छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। छत्तीसगढ़ के प्रमुख अधिकारी के रूप में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त एवं जिले में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति हुई। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स सी इलियट। ये 1854 से लेकर 1862 तक थे। फिर डिप्टी कमिश्नर के प्रशासनिक सहायता हेतु छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो कौन कौन से तहसील बनाए गए थे आपके, रायपुर, धमतरी, रतनपुर। छत्तीसगढ़ के प्रथम तीन तहसील बने थे 1855 में। उसके बाद हम देखते हैं 1861 में। तो 1861 में मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिलेदारी व्यवस्था, छत्तीसगढ़ में तीन जिले शामिल हो गए, कौन कौन से, संबलपुर, बिलासपुर और रायपुर। उसके बाद देखें 1862 में संभागीय कमिश्नर व्यवस्था चालू कर दी गई। मध्य प्रांत में 5 कमिश्नरी गठित की गई, छत्तीसगढ़ भी एक संभाग बना और पहला कमिश्नरी जो है वो रायपुर बना। प्रत्येक जिले में एक डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट किया गया। और पुलिस व्यवस्था में सुधार हुआ। उसके बाद 1905 में तो संबलपुर जिला जो है उड़ीसा में चल दिया, उड़ीसा में शामिल कर दिया गया। और जो छोटा नागपुर के 5 रियासत हैं कौन कौन से, कोरिया, चांगबखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर, इनको छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि मराठा शासनकाल छत्तीसगढ़ में किस प्रकार रहा, वो अंग्रेजों के पास कैसे गया, अंग्रेजों से फिर मराठों के पास कैसे आया और फिर अंग्रेजों के पास कैसे आया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आप इसी तरह की टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते थे हमारे चैनल को ज्वाइन सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे लोग भी देख सकें तो इसे शेयर करिए। और अगर इसी टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।